अब इस दिन रिलीज होगी विक्की कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह। बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्म सरदार उधम सिंह की रिलीज डेट में बदलाव किया गया है। क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह की बायोपिक फिल्म अगले साल 15 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म को सुजीत सरकार निर्देशित कर रहे हैं तो वहीं रॉनी लाहिरी इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। विक्की कौशल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी फैंस के साथ शेयर की है। विक्की कौशल ने अपने इस बात की जानकारी शेयर करते हुए फिल्म से अपना लुक पोस्टर भी शेयर किया है। विक्की ने लिखा, 13 मार्च 1940 सरदार उधम सिंह ब्लंडरली असैसिनेटेड माइकल ओडवायर इन लंदन 200 द लाइव्स लॉस्ट एट द जलियांवाला बाग मैसेकर। हिज स्टोरी डिजर्व्स जस्टिस ऑन स्क्रीन। Keeping that in mind, we will now see you in cinemas on 15 March 2021. देशभक्ति पर बनी यह फिल्म पहले 2 अक्टूबर के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने इसकी रिलीज तारीख में बदलाव करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि साल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने गोली चलाने का आदेश देने वाले माइकल ओडायर को गोलियों से छलनी कर दिया था। कोलन गजनी बनकर आमिर खान फिर करेंगे वापसी, क्या जारी रहेगी भूलने की बीमारी। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला पूरा करने के लिए उधम सिंह लंदन में जाकर रहने लगे थे। आज ही के दिन 13 मार्च को जब लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक चल रही थी, जनरल डायर जब भाषण देने के बाद जब अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा, उस दौरान ही उधम सिंह ने अपनी किताब में छुपी रिवॉल्वर को निकाल कर जनरल डायर पर गोलियां बरसा दी। वहीं विक्की कौशल के काम की बात करें तो हाल ही में उनकी फिल्म भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप रिलीज हुई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई।